एनसीपी के वरिष्ठ नेता अजित पवार ने कहा कि जिन लोगों के पास दो से अधिक बच्चे हैं उन्हें किसी प्रकार की रियायत नहीं दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में विधायकों और सांसदों को भी चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य बनाया जाना चाहिए। रविवार को बारामती में एक कार्यक्रम में बोलते हुए पवार ने कहा कि जनसंख्या वृद्धि के मामले में भारत ने चीन को पीछे छोड़ दिया है। एनसीपी के वरिष्ठ नेता अजित पवार ने कहा कि जिन लोगों के पास दो से अधिक बच्चे हैं उन्हें किसी प्रकार की रियायत नहीं दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में विधायकों और सांसदों को भी चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य बनाया जाना चाहिए। रविवार को बारामती में एक कार्यक्रम में बोलते हुए पवार ने कहा कि जनसंख्या वृद्धि के मामले में भारत ने चीन को पीछे छोड़ दिया है। एनसीपी के वरिष्ठ नेता अजित पवार ने कहा कि जिन लोगों के पास दो से अधिक बच्चे हैं उन्हें किसी प्रकार की रियायत नहीं दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में विधायकों और सांसदों को भी चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य बनाया जाना चाहिए। रविवार को बारामती में एक कार्यक्रम में बोलते हुए पवार ने कहा कि जनसंख्या वृद्धि के मामले में भारत ने चीन को पीछे छोड़ दिया है।